तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो परम पूज्य बाबा तुम्हें कि बारंबार प्रणाम, दुखियों के भगवान बन किए विश्व में नाम, और किए विश्व में नाम, भीम ने किए विश्व में नाम। देखो बाबा साहब ने भारत का बना दियो संविधान। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु और हमारे इस YouTube चैनल राधे कैसेट स्टूडियो सिमरा चौरा हरदोई के माध्यम से आप लोग हमारा कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं, तो आइए क्या कहना है मेरे बंधुओं। ये गीत लेकर के चलेंगे। गीत क्या है? हमारे बाबा साहब अंबेडकर जब उनका बचपन हुआ करता था मेरे बंधुओं, और बचपन में जब उनकी उम्र 5 वर्ष की होती है मेरे बंधुओं, और पास पड़ोस के बच्चों को जब पढ़ने के लिए जो वो बच्चे जाया करते थे मेरे बंधुओं, और उनको देखते हैं तो अपनी मैया भीमा से कैसे बिना याचना करते हैं, कहते हैं मैया मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा, मैया मेरा भी नाम लिखा दो ना। तो मैया भीमा अपने बच्चे को समझाते हुए, बालक भीम को समझाते हुए कहती हैं कि नहीं बेटा, ये हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में मनु का दंड विधान चल रहा है बंधुओं। तो उस समय अपने बेटे को समझाया कि हमें आपको शिक्षा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज किस प्रकार से मैया से जिद करते हैं बालक भीम और क्या कहते हैं। अरे पूछे ललनुआ मैया से, अरे पूछे ललनुआ मैया से, हाय असुआ बहाय के, और क्या कहने हैं। अरे कैसे पढ़नवा हुई है हो इस कुलवा में जाई के, लेकिन मैया के बार बार समझाने पर बालक भीम फिर भी कहते हैं पूछे ललनवा मैया से, पूछे ललनवा मैया से, असुआ बहाई के, मैया जी कैसे पढ़नवा हुई है हो स्कूलवा हम जाई के। आज बार बार मैया भीमा समझाती है अपने बालक भीम को, लेकिन वो बालक भीम नहीं मान रहे हैं। तो मैया भीमा समझाते हुए क्या बोली है मेरे बंधुओं। ऐसन ढोंगियन ने
दुष्ट धनवा चलाई विपति हजार हमरे भाग मालिखाई। कभी ठुकराए मनवादी कभी तरसाए मनवादी कभी ठुकराए मनवादी। और क्या बोली है भैया, विद्या पढ़न नहीं पई हो विद्या पढ़न नहीं पई हो बोली समझाई के मैया जी मैया जी। कैसे पढ़न हम जैबे हो इस कुलवा में जाए के से मैया समझाती है। और बताया गया है मेरे बंधुओं कि संसार में तीन हट बहुत खराब होते हैं, वो कौन से भैया देवेंद्र? बाल हट और राज हट और नारी हट। तीन हट बहुत खराब बताए जाते हैं। अगर बालक जिद कर ले कि ये खिलौना मैं लूंगा तो लेकर मानेगा। अगर राजा जीत कर दे कि इस राज पे मुझे चढ़ाई करना है तो जरूर करेगा। अगर नारी कह दे कि सुनते हैं आज हमें सोने कुंडल लेना है झाला लेना है तो लेकर के मानेगी। यानी तीन हट बहुत खराब होते हैं। आज नाना प्रकार से मैया भीमा समझाती है लेकिन बालक भीमा मान नहीं रहे हैं। और कैसे समझाते हुए बोली है अगली पंक्ति में, कापी की तबीयत हम घर में मंगाई तुझे मेरे लाल हम घर में पढ़ाई। हमें सत्ताएं मनवा दी हमें ठुकराएं मनवा दी हमें सत्ताएं मनवा दी। और शिक्षा पढ़न नहीं पई हो शिक्षा पढ़न नहीं पई हो बोली समुझाई के मैया जी मैया जी। क्या पढ़न ना पई हो इस कुलवा में जाई के। पूछे ललनवा मैया से पूछे ललनवा मैया से असुआ बहाई के। अरे कैसे पढ़न हम जाई पई हूँ इस कुलवा में जाई के। कैसे पढ़न हम जाई पै हो इस कुलवा में जाई के। इस प्रकार से बालक भीम को मैया भीमा समझाती हैं कि मेरे बेटा मेरे लाल सूत्रों को विद्या पढ़ना मना है क्योंकि भारत देश में मनु का दंड विधान चल रहा है। ये 1950 से पहले मेरे बंधुओं अपने भारत देश में मनु का दंड विधान चला करता था, उसमें सूत्रों को विद्या पढ़ना मना था। पूछे ललनवा मैया से पूछे ललनवा मैया से हाय असुआ बहाई के।
कैसे पढ़न हम जइबे हो स्कूलवा में जाइके, कैसे पढ़न हम जइबे हो स्कूलवा में जाइके। स्कूलवा में जाइके प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की।